सिंटा प्रीति सिंटा, तो वो तो प्रीति सिंटा ही बन रही है। बढ़िया है। और वो नाजरीन, उसको तो पूछो ही मत। हे एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद योर न्यू व्लॉग, क्योंकि आज सुबह से घर में मेहमान लोग थे, काफ़ी मेहमान आए थे, तो व्लॉग शूट नहीं हो पाया था। मैं सोची आज शाम को ही व्लॉग कुछ बना लूँ, कुछ नया कुछ ऐड करूँ। सो मेरे घर में आई है मुस्कान। मुस्कान बहुत दिनों के बाद आई है मुझसे मिलने के लिए। बहुत ही बेहया लड़की है, बहुत ही बेशरम, बहुत दिन के बाद आई है। और वो भी उसके काम से आई, इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आई है। मिलना तो चाहती हूँ, कौन सा मिलना, कैसे मिल नहीं पाती है, क्या कर रही है तो आजकल इतनी बिजी हो गई? नहीं, ऐसे तो फ्री रहती हूँ। फिर कॉलेजेस जाती है? नहीं, अभी स्टार्ट होने वाले। कभी से स्टार्ट होने वाले हैं? अब वो नहीं बताए, मैसेज आएगा। ऐसे कैसे मैसेज आएगा, तू झूठ बोल रही ना मुझसे? नहीं, सच्ची में सर ने ऐसा बोले थे। सर ने ऐसा बोले थे? और ये मेरी मम्मी बैठे हुए हैं। मेरी मम्मी देखो फिर से शर्मा रहे। मेरी मम्मी ब्लॉग में कुछ बोलते ही नहीं है, इतना शर्माते हैं बोलने के लिए। तो ये मुस्कान है और हम लोग अभी ऐसा रहेगा, अब मैं रोज मिलना, ठीक है? पक्का? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस। सो गाइज, मैं जा रही हूँ अभी एक जगह पे, हूँ मेरा ब्यूटी पार्लर के अंदर, कुछ काम से हीना बाजी से मिलने के लिए। मेरी वो भी एक फ्रेंड है मेरी बहन जैसी, तो मैं उससे भी मिलने जा रही हूँ। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? बाय। तो मैं जा रही हूँ, अभी मैं सीढ़ी उतर रही हूँ, मेरे साथ मुस्कान है। अभी मैं निकले हैं और मैंने तो कल का ही कपड़ा वापस पहन लिया है, क्योंकि ये गंदा नहीं हुआ था। तो सोचा वापस पहन लूँ। अभी क्या करूँ, आप लोगों को सच्चाई बतानी पड़ेगी ना, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। और ठीक है, तू कैसे जाएगी? तो जा रही, मैं चली जाऊँ। चल आ जा, आ जा, बैठ जा, बैठ जा। अंकल नहीं है, भाई है, रिक्शा वाले। अंकल दिख रहे तेरे को? अंकल नहीं, भाई। और ये मुस्कान है मेरी, इमरजेंसी में पीछे पहला अलग। और ये एकदम पागल लड़की है और बहुत ही मस्ती खो रहे हैं। हम लोग ने काफी टाइम से वीडियो नहीं बनाया है, अभी हम लोग वीडियो काम में व्यस्त है थोड़ा सा, और बहुत जल्दी बनाएंगे वीडियोस इंशाल्लाह। घर में ही बनाएंगे, बाहर नहीं बनाएंगे। बाहर लोगों की नज़र लगती है ना आजकल, कितनी मतलबी लोग पैदा हो चुके हैं, जिसी मतलब के लिए आते हैं और मतलब के लिए बस अपना मतलब निकालते हैं और फिर जाते हैं। लेकिन मेरी बच्ची लोग हैं जो मुझे पहले से प्यार करती है, मतलब ही नहीं है ना। तो मैंने मेरी अपनी लाइफ पर रूल चेंज कर चुकी हूँ और मैं मतलब ही लोगों से दूर रहना पसंद कर चुकी हूँ। और मैं अकेली काम कर रही हूँ, सब कुछ मैं अकेला करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मेरे साथ है। और आगे तक पहुँचा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख मेरी बच्ची लोग दुआ करते हैं मेरे लिए हमेशा, और छोटे बच्चों की दुआ हमेशा लगती है। मेरी बेटी आई थी अमृतनगर में, रहती बहुत ही चाही बेटी आई, माँ को जरा नहीं पूछते लोग, ऐसी अभिकार इतना ये है। वो आपको तो पता नहीं अपने आप को क्या समझ रही है आजकल। आजकल वो तो प्रीति सिंटा समझ रही है क्या? एक बार मैंने तारीफ करी, प्रीति सिंटा प्रीति सिंटा, तो वो तो प्रीति सिंटा ही बन रही है। बढ़िया। और वो नाजरीन, उसको तो पूछो ही मत। बाप रे, तीन तीन बेटियाँ हुई ऐसी बेकार। तो दूसरी दो बेटियों से बाद में मिलेंगे, अभी मैं जा रही हूँ सलोन पे हीना बाजी से मिलने के लिए, कुछ काम है। तो मैं आपको वहाँ का मुमरा का हीना ब्यूटी पार्लर भी दिखाऊंगी। सो है एवरीवन, मैं आई हूँ मेरा ब्यूटी पार्लर में, जैसे आपको बताया थी। और ये हीना बाजी आ चुके हैं, ये सलोन की मालकिन है यहाँ की, और ये बहुत मेरी फेवरेट है हमेशा से, मेरी बहन है। और ये मेरा फेवरेट सलोन है यहाँ का, मुरा का, बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक, जो भी नज़दीक के लोग हैं प्लीज़ आके विज़िट करना। मैं सलोन बताती हूँ आप लोगों को पूरा, आ जाओ। सो ये है सलोन, यहाँ पर हेयर ड्राई वगैरह सब होता है। और ये यहाँ पर कुछ भी ट्रीटमेंट्स होते हैं सब जो है, ये है।
बहुत अच्छा। और ये यहाँ का सबसे खास है, यहाँ पर इतनी बड़ी गैलरी है गाइस, आप लोग देख सकते हो। बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छी जगह पे है। एमएम वैली के अंदर है ये सैलॉन, बहुत अच्छी जगह लोकेटेड है। अभी फेशियल रूम भी बताती हूँ आपको, आ जाओ। सो ये माशाल्लाह से ये फेशियल रूम है बड़ा सा, आप लोग देख सकते हो। बहुत देखो गाइस, बहुत बड़ा फेशियल रूम है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, बहुत ही क्लास ट्रीटमेंट्स हैं, बहुत ही यूनिक ट्रीटमेंट्स होते हैं। फेशियल तो यहाँ के बहुत फेमस है, हिना बाजी का बहुत अच्छा है यहाँ पर। और ये यहाँ हेयर वॉश वगैरह होता है, यहाँ सारे प्रोडक्ट्स रहते हुए हैं। तो अभी हम लोग को हिना बाजी भी मेरे लिए कॉफ़ी लाएंगे, मैं कॉफ़ी पीऊँगी, फिर आगे मैं बताती हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? नहीं, उसमें सही हो जाएगा। सो गाइस, हम मैं जा रही हूँ घर पे, हम लोग बैठे थोड़ा चिट चैट किए, इधर उधर की बात किए, थोड़ी चुगली किए, इसकी बुराई ऐसा बिल्कुल नहीं किए, हम अपनी बातें कर रहे थे, बैठे थे, स्टूडेंट्स लोग हैं। और एक और सड़ेली यहाँ पर बैठी है, हाँ मेरी मेरी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मेरी तरफ से तो नहीं है। सो मैं घर जा रही हूँ गाइस। क्या बोली? ये एक स्टाफ है, देखो गाइस, बढ़िया ही गाइस, हाय गाइस कर रही तो हाँ। ये देखो, ये यहाँ की लड़की है, ये मेरी फेवरेट खुशी है, और इसकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, बहुत ही बकवास स्टाफ है यहाँ की। ये मेरा ब्यूटी सैलून की सबसे मतलब बहुत अच्छी आर्टिस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, सब बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छा फेशियल करती बच्ची, बहुत अच्छा आईब्रोज हेयर स्टाइल वगैरह सब अच्छा करती है, सबको गोरा करती, बस खुद गोरी नहीं हो रही है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है बेचारी की, है ना, लेकिन बहुत मेहनत करती बेचारी, और फोन में बहुत ज्यादा लगी रहती है, उसको बहुत समझाते हैं। चलो ठीक है, चलो, बहुत अच्छा लगा मुझे आके। अभी गाइस मैं घर जा रही हूँ, और घर बहुत अच्छी है, मेरी बहन जैसी है, मेरी फ्रेंड है, सब कुछ है, ये तो इनका प्यार है, बहुत अच्छा, मुझे ये सैलून बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स मिलता है यहाँ कर आकर, अपनापन लगता है, ऐसा लगता है मैं अपने घर आई हूँ, कितने भी देर बैठी रह सकती हूँ, सो भी जाती हूँ, बट अभी मुहर्रम चालू हो गया तो कुछ कर नहीं सकते कुछ भी, बट इंशाल्लाह मैं तो बाजी के लिए हमेशा दुआ करती हूँ कि अल्लाह उनकी रोजी पानी में बरकत दे, और ये मेरा सैलून नंबर वन सैलून बन जाए मुमरा का, ये मेरी दुआ है। चलो फिर हम यहाँ ब्लॉग को ऑफ स्टॉप करते हैं, आज का कुछ खास नहीं था, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, इसलिए तो आप कुछ ना कुछ तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा ना। सो मैं जा रही हूँ भी घर, सो आप लोग अच्छे से रहना, सुरक्षित रहना, और अपना ख्याल रखना, तो कल के नेक्स्ट ब्लॉग के लिए प्लीज़ रेडी रहना, ठीक है? बाय, अल्लाह हाफिज़।